इस ड्रामे में एक ऐसी फनकारा जो अपने वक्त की, मैं कहता हूँ कि हसीन तरीन फनकारा थी, फिल्मों में भी काम किया, स्टेज पर उनका कहना शायद ये है कि यूनुस मेमन साहब के अलावा अगर कोई होता तो मैं नहीं करता, तो ये क्रेडिट भी यूनुस मेमन साहब को जाता है कि अरसा दराज के बाद एक ऐसी फनकारा जो अपने वक्त की, मैं तो कहूँगा हीरोइन ही कहूँगा, और अब भी हीरोइन है, शाहिदा मलिक साहिबा। शाहिदा जी क्या कहेंगी ड्रामा गीबत पर? बड़ा अच्छा बोलते हैं, लिखते भी बहुत अच्छा है ये, लेकिन मुझे कभी काम नहीं कराया, वो इनकी कोई मजबूरी होगी। और ये क्रेडिट जाता है यूनुस भाई को, ये हमारे भाई हैं, बड़े अरसे से मेरे साथ हैं, बहुत सीनियर हैं, कैरेक्टर भी अब मैंने देखा अच्छे हैं, क्योंकि मैंने कभी इनकी रेशल देखी नहीं थी। और दूसरी बात, गीबत के बारे में बात कर रहे हैं, गीबत एक ऐसी चीज़ है जो दीमक को भी खा जाती है माशाल्लाह से। और दूसरी बात ये है कि मैं इसमें काम कर रही हूँ और पता नहीं कैसा कर रही हूँ, ये तो सामने वाले देखने वाले बताएंगे, क्योंकि अब वो उम्र नहीं रही। ये सही कह रहे हैं, मैं हीरोइन आई हूँ, ये बच्चे होंगे उस टाइम, इनको क्या पता, मैं पैदा ही नहीं हुआ था, हो सकता है 81-82 की बात है ये। अब मेरी अपनी बेटी बहुत अच्छी है, एक्टर है, स्टेज की, फिल्म की है, टीवी की है, हिना मलिक नाम है उनका, तो वो तो मुझे आप जानते ही होंगे, इंशाल्लाह आप हमें पजराई देंगे, हमारा हौसला अफजाई करेंगे, हमारे शो में ज़रूर आइएगा। दो शो हैं इतवार के दिन, और 8 बजे और 10 बजे आप आएंगे, आपकी तालियां हमें ऑक्सीजन का काम देंगी, हम मैं सोचूंगी कि भाई वाकई मैं काम कर रही हूँ इंशाल्लाह। आपने रिहर्सल में तो देखा कि शाहिदा मलिक कितनी एनर्जी के साथ जो है यूनुस मेमन साहब की डायरेक्शन में काम कर रही हैं, और इंशाल्लाह इससे ज़्यादा बेहतर जो है वो शो वाले दिन होगा 12 फरवरी को। ये ड्रामा बड़ा अच्छा लगता है जब ये मुझे डायरेक्शन देते हैं। इन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ, तो मैंने कहा आप बताएंगे तो मैं करूंगी, जो मेरे पास है शायद वो आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि मैंने तो फिल्में भी की हैं, फिल्मों की डायरेक्शन भी की है एक आधी की। अब ये है कि रिटायरमेंट ली हुई थी, ये क्रेडिट तो यूनुस भाई को ही जाता है कि मुझे ब्रेक दिया उन्होंने, समझो बुढ़ापे में। शुक्रिया, ड्रामे मत आना भूलिएगा।